संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर में से एक है जिनकी फिल्में अलग तरीके की होती हैं। साल 2018 में भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट गई। इसके अलावा फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था। पब्लिक ने इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स दिया और अब इस फिल्म के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ रुपए के आसपास कलेक्शन करने वाली इस फिल्म को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता। तो चलिए जानते हैं कि दीपिका पादुकोण, रणबीर सिंह और शाहिद कपूर स्टारर इस फिल्म की कौन कौन सी है खास बात। सबसे पहले बता दें कि फिल्म पद्मावत को आपने देखा ही होगा और जितना स्पेशल ये सोशल मीडिया पर दिखाया गया और जितना इसका विवाद हुआ ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। एक और जहां ज़मीनी स्तर पर विवाद दिखाया गया तो वहीं सोशल मीडिया पर फैंस इस फिल्म की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। अब 6 साल पूरे हो गए इस फिल्म को और इस मौके पर इस फिल्म की कुछ खास बातें जो आपको बताने जा रही हैं। सबसे पहली, फिल्म पद्मावत के लिए ऐश्वर्या राय को बतौर लीड एक्ट्रेस चुना गया था लेकिन किन्हीं वजहों से फिल्म साइन नहीं कर पाई और ये फिल्म दीपिका पादुकोण को मिल गई। दूसरी सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि फिल्म के एक गाने घूमर में दीपिका पादुकोण ने 30 किलो का लहंगा पहना था, करीब 400 किलो सोने के गहने पहने थे। इस गाने के एक सीन में दीपिका के करीब 66 चक्कर लगे थे। तीसरी सबसे यूनिक बात यह है कि कास्टिंग के वक्त जब दीपिका को पता चला कि उनके ऑपोजिट शाहिद कपूर हैं तो उन्होंने पहले मना कर दिया। उन्हें लगा कि शाहिद हाइट में उनसे कम होंगे लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो दीपिका की ये गलतफहमी दूर हो गई थी। चौथी सबसे यूनिक बात यह है कि इस फिल्म में एक अरबी गाना है जिसके बोल बिनते दिल मिसिया है और इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है। अरिजीत सिंह ने इसे ऐसे गाया कि इसे सुनते समय लगा ही नहीं कि ये इंडियन गाना है ही नहीं। और पांचवी यूनिक बात ये कि फिल्म में जिम सर्ब ने अलाउद्दीन खिलजी यानी रणबीर सिंह के सेनापति का रोल किया था। उनके इस किरदार को काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया गया और एक्टिंग की तारीफ भी की गई। छठी बात ये कि इस फिल्म के बारे में संजय लीला भंसाली ने करीब 10 साल पहले ही सोच लिया था। इसमें सलमान खान ऐश्वर्या राय को लेना चाहते थे लेकिन ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। बता दे कि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणबीर सिंह को इसके बाद जगह देनी पड़ी। सातवीं यूनिक बात यह है कि अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म पद्मावत के बजट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यूनिक और दिलचस्प बात यह है कि 215 करोड़ रुपए की ये फिल्म थी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अगर बॉक्स ऑफिस पर देखा जाए तो इसने 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया था। यही वजह थी कि ये फिल्म सुपरहिट बनी। और आठवीं बात, करणी सेना की तरफ से इस फिल्म की रिलीज को काफ़ी रोका गया था लेकिन संजय लीला भंसाली ने सरकारी सहायता से प्रोटेक्शन मांगी और रिलीज की। सरकार की प्रोटेक्शन के तहत ये फिल्म रिलीज हुई थी।